Brother, what do you suggest from the two, KTM Adventure versus 310 GS? Is BMW GS worth buying? Your honest opinion. Bhai, meri height 5'4", kaun sa touring bike sahi hai? Please suggest. Is there vibration on higher speed? 310 GS ya Himalayan? भाई तुम्हारा 310 GS का आफ्टर सेल सर्विस वीडियो देखा, मेरा रूह कांप गया। हुआ हुआ चालू हुआ, लाइव चालू हुआ कोई है? हेलो, लाइव आ गए हम लोग फाइनली, बहुत जद्दोजहद करने के बाद आज लाइव आया हूँ। एंड बारिश वारिश का भी सीन चल रहा है। कौन कौन है ऑनलाइन अभी? अरविंद पटेल व्लॉग्स, हाय ब्रो, हाय 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 हाय। माहित साई, हाय गेमिंग फ्रीक, हाय। अरे कुछ लोग हैं ऑनलाइन तो मतलब बात कर सकते हैं। हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? काफ़ी दिनों के बाद में लाइव आए हैं हम लोग, एक दो महीना हो गया लगता है लाइव आकर, तो अच्छा एक्साइटिंग। बारिश के आसार है, गुड आफ्टरनून हो चुका है एंड कभी भी भागना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि बारिश आ सकती है और मैं बाहर आके बैठा हूँ। है कुछ लोग जुड़ चुके हैं क्या भाई? एंचाउल्ला एडोलेन सौक्या, ओहो हो कहाँ गया? तो अभी बात करते हैं थोड़ा एंड देन एक एक सवाल आपका उठाऊंगा। और ये है अपनी, अरे लाइक भी करो वीडियो को यार, लाइक चाह रही है, इतने लोग ऑनलाइन देखे। कमेंट्स पढ़ते रुको, कमेंट्स मतलब जो चैट में आ रहे हैं वो पढ़ते। सबसे पहला, सावन का महीना मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आपको भी। सुशीला राज कमेंट्स पढ़ता था आपके, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स है। सबके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बट बड़े बड़े कमेंट्स होते हैं आपके तो नहीं दे पाता हूँ, छोटे मोटे कमेंट्स के रिप्लाई दे देता हूँ। राहुल ईस्ट, मॉर्निंग भाई, व्हाट्सअप कैसे है आप और आपकी फैमिली? मोस्ट ब्यूटीफुल नाइला, थैंक यू ब्रो। और नाइला के बारे में पूछ रहे हैं तो नाइला आई आ जा बेटा, आ जा, तेरा डिमांड है। आ गई, आ जाओ, ये लो नाइला, ये लो नाइला आपके लिए। आ, और चैट के हो गया किसी करके हो गया ना, वो किसी तो मेरे को किसी बहुत कमेंट आ गया है, कहाँ तक देखा है मैंने। कार्तिक ने पूछा है आपके पास कितनी गाड़ी है ब्रो? मेरे पास ब्रो एक ही बाइक है अभी फ़िलहाल, वो है BMW। उससे पहले मेरे पास NSB थी, वो मैंने सेल कर दिया, तो अभी एक ही बाइक है। राहुल, आपका टेक ऑन इंक्रीजिंग कोरोना वायरस केस इन इंडिया? अरे यार बहुत बुरा हो रहा है यार, मतलब ये कोरोना वोरोना के चक्कर में तो है ना, मतलब 2020 पूरा निकल गया यार, बहुत पंगा हो गया है। तो आप सभी को पता है कि मतलब एकदम हार्ड टाइम्स है अभी हमारे लिए, तो मैं तो यही सोचूंगा और यही मतलब प्रे करूंगा कि मतलब जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाइए और मैं राइड पर निकलूँ। थोड़ा सेल्फिश हो गया, मतलब जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं ना उसको तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार इससे। और मतलब ऐसा हम लोग को कोई मतलब राहत तो मिली नहीं है किसी से, आत्मनिर्भर रहना है तो अभी लग गए, बट ये प्रे करूँगा कि मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। इसके बाद, लाइव देखकर बहुत अच्छा लगा, आपके वीडियोस अच्छे होते हैं, सुपर, थैंक यू सुशीला जी। बहुत कमेंट करते हैं, बहुत मतलब रिप्लाई नहीं दे पाता, तो मैंने सोचा कि लाइव जाना बेस्ट होगा और उनके सारे क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं हम लोग लाइव बैठ के। बहुत बहुत ज़्यादा चैट सारे, लास्ट टाइम क्या था इतने नहीं थे। PJ म्यूज़िक, विजिट मालशेज घाट इन दिस सीज़न? मालशेज घाट का तो प्लान था हमारा, वहाँ पे मैंने सुना कि मतलब बैरिकेड वगैरह लगा दिया है तो जाने आने नहीं दे रहे, नहीं जा पाया। और क्या है, चेन स्प्रॉकेट प्राइस फॉर GS का चेन स्प्रॉकेट प्राइस मेरे को लगता है अराउंड 3500 समथिंग है, मेरे को ऐसा लगता है। और मेरे को किसी ने 6000 ही बताया था, किसी ने 3000 ही बताया था, मैंने अब तक चेंज नहीं किया मेरा स्प्रॉकेट तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, पर 3000-3500 के आसपास होना चाहिए शायद, मेरे को ऐसा लगता है, डोंट कोट मी ऑन दिस। अरविंद पटेल व्लॉग्स, आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं भाई, बहुत अच्छे लगते हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू ब्रो। और कमेंट करके मेरे को जो जो बताता है ना, मेरे को बहुत सही लगता है, तो वो कमेंट जो जो करता है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से मैं ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और ज़्यादा वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ। गौरव बी, ब्रदर व्हाट डू यू सजेस्ट फ्रॉम द टू, KTM एडवेंचर वर्सेस 310 GS? ये बहुत बड़ा डिबेट वाला टॉपिक है, KTM 390 एडवेंचर और 310 GS। देखो सबको पता है कि मैं पहले 310 GS नहीं लेने वाला था, KTM 390 के लिए रुका था, मैंने बाइक
बेचने से पहले सोच लिया था कि 390 के लिए रुकूंगा, बट देन 390 लॉन्च बहुत देर से हुआ तो इसलिए मेरे को 310 लेना पड़ा। बट देन 310 लेने के बाद मेरे को पता चला कि यार 310 का फील और कंफर्ट लेवल बहुत अलग है यार। मतलब वो KTM में कंफर्ट लेवल वैसा नहीं मिलेगा, बट देन जो KTM में टॉप स्पीड मुझे मिलता था वो 310 में कभी नहीं मिलेगा। तो वाइस वर्सा है, अगर आपको कंफर्टेबल चाहिए तो 310 GS है, अगर आपको टॉप स्पीड क्लॉक करना है तो 390 एडवेंचर है। दोनों बाइक अपने अपने सेगमेंट में बढ़िया है, बहुत सही है। 390 एडवेंचर का प्राइस थोड़ा लो है, मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा लो है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा लो है 390 एडवेंचर का मेंटेनेंस कॉस्ट, वो तो मैं मानता हूँ। तो मैं तो वही सजेस्ट करूँगा कि आपके ऊपर एक्चुअली, कि अगर आपके बजट में बैठ रहा है 310 एडवेंचर, आप मेंटेनेंस वगैरह कर सकते हो तो आपको लेना चाहिए डेफिनेटली यस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। 200-250 किलोमीटर में ऐसे ही मार लेता था, एंड 200-250 किलोमीटर मेरे को ब्रेक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, मेरे को नहीं लगता था कि बाइक स्ट्रेस हो रही है इसीलिए ब्रेक लेना पड़ेगा। तो उस मामले में मैं 310 GS ही बोलूँगा, वो अच्छा है। और 390 एडवेंचर अगर मिली चलाने के लिए, अच्छा खासा अगर राउंड मिलेगा चलाने के लिए, तो एक बार कंपैरिजन वीडियो भी बना लूँगा मैं, क्योंकि मेरे को 390 एडवेंचर भी चला के देखना है। तो KTM वाला अगर कोई देख रहा है तो भाई मतलब दे सकते हो बाइक, तो मैं मना नहीं करूँगा। प्रिंस, हैव यू पुट बैक टायर मडगार्ड फॉर ऑफ TVS? नहीं ब्रो, अभी तक नहीं लगाया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। मैंने जितने भी जगह पे TVS सर्विस सेंटर में कॉल करके पूछा, वहाँ पे वो मडगार्ड नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो मडगार्ड शायद मेरे को लगता है कि लॉकडाउन होने के बाद ही आएगा। बहुत कमेंट है भाई, एक मिनट फटाफट पढ़ना पड़ेगा क्या। हेलो फ्रॉम नेपाल गाइस, सौरभ आप नेपाल से हो, बिग थम्स अप, बहुत अच्छी जगह है। रोशन इक्का, इज़ BMW GS वर्थ बाइंग योर ऑनेस्ट ओपिनियन? यस, वर्थ बाइंग तो है, क्योंकि कंफर्टेबल है, क्वालिटी मिलता है आपको अच्छा। कोई कोई पार्ट्स मेरे को, कोई कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगी उसके बारे में, जो मैंने ऑनेस्ट रिव्यू में बता दिया है अपने, तो वो देख लो आप। और वर्थ बाइंग तो है वो, मेरे को लगता है, क्योंकि अच्छी बाइक है यार। हाय ब्रो, आई एम फ्रॉम हिजमाड़ी लिविंग इन पनवेल, जस्ट स्टार्टेड टू वॉच योर व्लॉग्स, कीप इट अप। अजय सालियन, थैंक यू ब्रो। हिजमाड़ी तो मतलब हमारा, मतलब क्या बोलो अभी, तो वहाँ पे तो जाते रहते हम लोग, हर साल पहले जाते रहते थे, अभी तो मैं लास्ट ईयर गया था, उसके बाद अब तक गया नहीं हूँ। इस बार भी प्लान था बट अभी कोरोना के चक्कर में शायद गांव वाले बॉम्बे वाले को नहीं ले रहे तो इसीलिए नहीं जा रहे हम लोग वहाँ पे, वरना साउथ का राइड था मेरा तो वो हो जाता था वहाँ पे, मैं ज़रूर विजिट करता हिजमाड़ी। बिफोर ब्रो, इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग माइक अडैप्टर फॉर GoPro, व्हाट कैन बी अनदर ऑप्शन फॉर बेटर साउंड इन वीडियो? GoPro के लिए माइक अडैप्टर ज़रूरी है, विदाउट माइक अडैप्टर आप माइक लगा नहीं सकते हो। तो मेरे लिए मतलब, मैं अगर मेरे से ऑनेस्टली पूछोगे तो माइक अडैप्टर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और माइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसका इंटरनल माइक इतना वाव नहीं है, तो माइक अडैप्टर तो चाहिए, उसके बिना कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं देता। राइडोग्राफर तुषार, रियली लाइक योर ब्लॉग्स, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। भाई मेरी हाइट 5'4", कौन सा टूरिंग बाइक सही है प्लीज़ सजेस्ट। 5'4" हाइट के लिए टूरिंग बाइक अगर आप मुझसे पूछोगे तो 310 GS कभी नहीं लेना। 310 GS के लिए ऑलमोस्ट 5'8" 5'9" रहोगे तो कंफर्टेबली चला लोगे, बट देन 5'4" आपके लिए थोड़ा मतलब हाइट ज़्यादा हो जाएगा उसका 310 के लिए। 390 एडवेंचर अगर पूछोगे तो वो भी आपको नहीं होगा, क्योंकि उसका हाइट भी ऑलमोस्ट 310 GS जैसे ही है, शायद ज़्यादा है। बट देन हिमालयन ट्राई कर लो आप, हिमालयन मेरे को लगता है आपको मतलब जमेगा। इज देयर वाइब्रेशन ऑन हायर स्पीड एंड हेडलाइट शेकिंग इशू? हेडलाइट शेकिंग इशू सॉरी। तो जॉन, यस वाइब्रेशन है, सेकेंड सर्विस के बाद मेरे को ज़्यादा वाइब्रेशन फील हुआ है बाइक पे। उससे पहले मेरे को ज़्यादा नहीं पता चलता था, मगर सेकेंड सर्विस के बाद मेरे को ज़्यादा वाइब्रेशन फील हुआ है बाइक पे। और हेडलाइट शेकिंग इशू तो वो तो है ही है, वो तो स्टार्टिंग से आगे भी रहेगा। और क्या है, प्लीज़ कमेंट व्हाई वन शुड नॉट बाय 310 GS? वन शुड नॉट बाय अगर पूछोगे मेरे को तो हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, वही एक रीज़न हो सकता है आपका नहीं लेने का। आशित शेट्टी भी, 310 GS या हिमालयन? तो 310 GS बोलूँगा, क्वालिटी फिट एंड फिनिश और कंफर्ट, 310 GS। और भाई मुंबई मीटअप रखो, मिलते हैं। अरे यार मीटअप का तो ऐसा होता है ना, पता है मैं बहुत बार प्लान करता हूँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि कौन आएगा सच्ची में मिलने के लिए, इसलिए मैं मीटअप नहीं करता हूँ। यहाँ पे बहुत से लोग, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं कि मिलो, मीटअप करते हैं यहीं पर।
अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर तीन चार चार पांच लोग भी आ गए तो क्या प्रॉब्लम है, मिल सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी प्लान करेंगे। मेरे को लगता है नहीं चार छः लोगों से ज़्यादा कोई आने वाला है, बट फिर भी अगर आने वाले लोगों को मिलना है तो ज़रूर मिलेंगे। ये सब ख़त्म होने तो फिर एक बार प्लान करेंगे मीटअप का। आशित शेट्टी भाई, तुम्हारा 310 GS का आफ्टर सेल सर्विस वीडियो देखा, मेरा रूह कांप गया। बिल देख के मेरा भी रूह कांप गया था, मगर एक्चुअली नहीं, रूह नहीं कांपा था क्योंकि मैं उसके लिए रेडी था, मेरे को पता था उसका सर्विस कॉस्ट कितना आने वाला है, तो आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। बट जो प्रिपेयर नहीं रहेगा तो उसके लिए मैं बार बार उनको बोलता हूँ कि सब एस्पेक्ट देखो, और बाइक लेने से पहले सिर्फ बाइक 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 मत देखो, मेंटेनेंस भी देखो, उसका कॉस्ट भी देखो, और उसके पार्ट्स का वैल्यू भी देखो, आफ्टर सेल्स सर्विस भी देखो, तो सब कुछ देखो एक साथ में, तो बेटर होगा। सिर्फ बाइक देख के आप बाइक तो ले लोगे, बाद में वही हो गया हाथी ले लिया खिलाने पाए, तो वैसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ में भी, तो बहुत पंगा हो जाता है वो, और फिर एक बार लेने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसलिए लेने से पहले ही वो सब आप फैक्टर्स कंसिडर करो और उसके बाद ही लो। प्लीज़ सजेस्ट समथिंग फॉर गुड ब्लॉगिंग लाइक यू, भाई आपसे मोटिवेट होते हैं हम, एंड इवन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग 7 months ago, मुझसे मोटिवेट होके ब्लॉग स्टार्ट किया है आपने तो बहुत 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 थैंक यू, मतलब मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि मैं कुछ राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अगर कोई मुझसे मोटिवेट हो रहा है तो। देखो मेरा जर्नी कैसे था, पहले मैंने स्टार्ट किया था मोबाइल से, क्योंकि स्टार्टिंग में DSLR वगैरह मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया मोबाइल से, मोबाइल जो मेरे पास था उससे स्टार्ट किया। उसके बाद में मैंने अच्छा माइक लिया, जो यही माइक है जो मैंने स्टार्ट किया था, जिससे बोया का लेवलियर माइक है, तो अभी भी यूज़ कर रहा था इसको, तो वो लिया था मैंने। देन फिर उसके बाद मैंने स्विच किया GoPro से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। देन मैंने स्विच किया DSLR पे, जब मेरे को लगा कि चैनल ग्रो हो रहा है अच्छे से, तो स्टेप बाय स्टेप किया है, एक ही बार में मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको, स्टेप बाय स्टेप करो, डायरेक्ट DSLR ले सकते हो तो DSLR से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोलैब विद MSK, अरे भाई MSK कहाँ अपने साथ कोलैब करेगा। इंस्टाग्राम रील सही चालू किया है, या सबको मैं यही बोलना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम में फॉलो करो यार मेरे को, तो इंस्टाग्राम रील्स मैं डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई खाना खाने आओ, बिरयानी बनाया है, फिर श्रावण चालू हो जाएगा। भाई बिरयानी का नाम मत ले, भूख लगती है मेरे को, फेवरेट है अपना बिरयानी। बिरयानी मत बोलो चैट में, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया मैंने। गौरव ब्रदर, डू कीप योर मोटो ब्लॉगिंग स्टाइल द रॉ एज पॉसिबल, इट मेक्स द व्यूअर फील ही इज़ एक्चुअली ड्राइविंग। हाँ मैं वही कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उतना रॉ रखूँ उसको, स्क्रिप्टेड ट्राई नहीं किया अब तक, बहुत से लोग स्क्रिप्टेड करके करते हैं, पहले स्क्रिप्ट बनाते हैं उस हिसाब से फॉलो करते हैं, मैंने अब तक किया नहीं है। अगर आप लोग वैसा चाहते हो तो वैसा भी कर सकते हैं, मगर आप लोग ज़्यादा करके मेरे को रॉ पसंद करते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि रॉ वीडियो ही उनको अच्छा लगता है देखने के लिए, और जो हो रहा है वो दिखा दो, गिर रहे हो तो गिर रहे हो, उठ रहे हो तो उठ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, मतलब छुपाने की क्या ज़रूरत है उसमें। अगर 5,000, 6,000, 10,000 किलोमीटर आपने बाइक चलाई है तो एक आध बार तो गिरोगे ना। भाई मिलो, बेरोज की बिरयानी साथ में खाएंगे। ओए भाई बिरयानी का नाम फिर से ले लिया यार, भूख लग रही है। आई सब फ्रॉम द ट्रेन वीडियो, आई लव्ड इट। बहुत से लोगों को ट्रेन वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा था, नायला के साथ में जो वीडियो बनाया था मैंने, एंड बहुत से लोग उसके बारे में भी पूछते हैं मेरे को, उसमें तो बहुत सारे कमेंट है, उसका व्यूज़ भी बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 7 lakh समथिंग पार हो चुका है उसका व्यूज़। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लो, बहुत अच्छा, बहुत मेहनत की थी उसमें तो बहुत ज़्यादा, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। चलो भाई टेक केयर, मचा दिया लाइव में, फील्स मोर, मेरे साथ हो आप। ओ मचा दिया, मचा दिया तो मचा दिया, क्या टेंशन, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। अभी जो भी कमेंट आएगा मैं उसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दूंगा। तो इट इज़ टाइम टू एंड दिस व्लॉग, बहुत भूख लग रही है, बिरयानी की याद दिला दी मेरे को तो और ज़्यादा भूख लगने लगी। तो इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, एंड मैं चाहते रहो। चलो गाइस बाय, टेक केयर।